तो अभी पता ही नहीं मैं क्या फील कर रही हूँ. आई एम वेरी वेरी नर्वस अबाउट दिस फिल्म. और मैं भी यू नो दुनिया की यात्रा करके आई हूँ, 8 घंटे टोरंटो, यहाँ पे कल पूना में हूँ. सो माई ब्रेन इज़ नॉट ऑन टाइम येट. मुझे पता नहीं दिन हो रहा है या रात. बट मोर देन दैट, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही हैं मेरे लिए और इस फिल्म के लिए. एंड आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड. आई एम जस्ट होपिंग दैट ये फिल्म कमर्शली सक्सेसफुल हो जाए. इट्स ओपन टू अ रियली गुड फ्राइडे विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द वीकेंड. सब बॉक्स ऑफिस इज किंग. हम लोग कभी कोई भी फिल्म नहीं बनाता ताकि अपने ड्राॅइंग रूम में देख सकें. Everybody makes a film for it to be a commercially successful film. It's important because hum log bhi filmmaking business mein hain. And I do hope that the film does well. And of course, love and appreciation ke liye hum log as actors, as artists, hum love and appreciation ke liye kaam karte hain ki log hamare kaam ko sarahein, pasand karein. And so I hope it's a combination of both if that's the best case scenario. In fact, is film ke saath main bahut sare political adhikariyon se mili hoon is film ke zariye se. Because you know the government has shown a lot of support to Mary Kom because it's a female led movie and ek youth icon ke bare mein kahani hai. To meri in fact is mudde pe har politician se baat hui hai, just you know personally as a question ki you know kya karna chahiye humko. Mere hisab se I think rules hamare paas hain ladkiyon ko protect karne ke liye. Wo rules implement karna bahut zaruri hai. Abhi tak wo implementation nahi aaya hai. Ek fearlessness hai आवाम में जो रूल्स को सीरियसली नहीं लेते हैं. एंड आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत जोर लगाना चाहिए. एंड इन द मीन टाइम आई रियली इट्स ऑफुल टू बी एबल टू से दिस, लेकिन लड़कियों को अपना ख्याल रखना आना ज़रूरी होना चाहिए. आई थिंक बीइंग कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज डे एंड एज. मुझे अपने आप को कभी भी दोहराना पसंद नहीं है. मैं हमेशा अलग अलग फिल्में ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यू नेवर नो. मैं फिल्में चूज़ नहीं करती, मेरी फिल्में हमेशा मुझे चूज़ करती हैं. मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, जो भी फिल्में मेरे पास आती हैं उसमें से मैं पिक एंड चूज़ करती हूँ. एंड सो फार अमेजिंग फिल्म्स हैव कम टू मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट. मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी सारी फिल्में, मेरी हर फिल्म मेरे लिए मेरी मुगले आज़म होती है. सो आई डोंट नो, मैं आई गेट वेरी क्लोज टू माई मूवीज़. मेरा जजमेंट बिल्कुल, मैं बहुत बायस हूँ अपनी फिल्मों की तरफ. आई कॉन्ट एवर टेल. सो आई थिंक, बट आई वर्क वेरी हार्ड ऑन ऑल माई फिल्म. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज़.